सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए, हे परमपिता परमात्मा, आप सबके रक्षक हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, सब प्रकार के रोगों से, कष्टों से, विघ्नों से, बाधाओं से, शोक से, रोग से, ताप से, अनिष्ट से हमारी रक्षा करिए। अधर्म से, अन्याय से, पाप से हमारी रक्षा कीजिए। भूः, हे प्रभु, आप प्राणों के भी प्राण हैं, हमारे प्राणाधार हैं, हमें प्राण शक्ति अर्थात दीर्घ जीवन शक्ति प्रदान कीजिए। भूवः, हे नाथ, आप समस्त दुखों से छुड़ाने वाले हैं, हमें भी समस्त दुखों से अर्थात आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आधिभौतिक दुख, इन समस्त दुखों से छुड़ा दीजिए। स्वः, हे ईश्वर, आप स्वयं सुख स्वरूप हैं, सर्वोत्तम आनंद के भंडार हैं, हमें भी आपके सर्वोत्तम सुख का पान कराइए। तत्सवितुर, हे सविता देव, आप समस्त जगत के उत्पादक तथा सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं और समग्र ऐश्वर्य के प्रदायक हैं, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और सर्वत्र विजय दिलाने वाले हैं। वरेण्यम, ऐसे आप वरुण परमात्मा को हम वरण करते हैं, क्योंकि आप ही सर्वश्रेष्ठ वरणीय हैं, अतः हम भक्तगण भी आपका ही वरण करते हैं। भर्गो, हे भगवन, आप शुद्ध स्वरूप समस्त दुखों क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। देवस्य, आप देवों के देव, महादेव का, परम देव का धीमहि हम ध्यान करते हैं, आपके गुणों को धारण करते हैं। धियो यो नः, आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात्, सन्मार्ग में, वेद मार्ग में, योग मार्ग में, यज्ञ मार्ग में प्रेरित करें। उत्तम गुण कर्म स्वभाव में हमारी बुद्धि को प्रेरित करें और आपकी ओर ही हमारी बुद्धि को ले चलें। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। ये गायत्री महामंत्र है, सर्व मनोकामना पूर्तिकारक मंत्र है, बुद्धिवर्धक मंत्र है, सावित्री मंत्र है, विघ्न विनाशक मंत्र है। ठीक है जी, तो इसके एक एक शब्द का इस प्रकार से अर्थ करते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, इस गायत्री मंत्र से हम ईश्वर का ध्यान करें।
तो मंत्र बहुत बढ़िया है, ओ मन तो सर्वरक्षक परमात्मा जो सबके रक्षक है और रक्षा करने के साधन भी दिए हुए हैं, रक्षा स्वयं करते हैं और अपनी रक्षण शक्ति से भी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है जी। तो परमात्मा सबके रक्षक है और अपने जान से अन्यों को भी विद्वान बनाते हैं और फिर वो विद्वान भी हमारी रक्षा करते हैं, माता पिता रक्षा करते हैं हमारी, तो उनको भी रक्षण शक्ति ईश्वर ही प्रदान करते हैं। गर्भावस्था में शिशु की रक्षा करते हैं परमात्मा, अद्भुत स्वरूप उनका है कि नहीं है। कोई माता रक्षा नहीं कर सकती अपने बेटे का अंदर में, वो क्या जानती है कैसे बेटा पल रहा है, बढ़ रहा है, रक्षण कैसे हो रहा है, क्या पता, परमात्मा उसकी व्यवस्था करते हैं। तो गर्भकाल में भी परमात्मा रक्षा करने वाले हैं। तो ओम सर्वरक्षक हे ईश्वर, आप सबके रक्षक हैं। फिर भू माने आप प्राणों के भी प्राण हैं। कितने प्राण हैं शरीर पता है? प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये पांच मुख्य प्राण और पांच उप प्राण कौन कौन से? नाग, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय। तो इन दसों प्राणों के आप प्राण हैं, माने इनके अंदर भी प्राण शक्ति का संचार करने वाले आप हैं। इन प्राणों के प्राण मतलब आधार हैं। जैसे कि शरीर में प्राण नहीं हो तो शरीर क्या काम कर सकता है जी? कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ही इन प्राणों में परमात्मा नहीं हो तो प्राण भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आया समझ में? शरीर में अगर ये प्राण न हो शरीर मर जाएगा, शरीर कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ही परमात्मा प्राणों के प्राण है, जैसे शरीर में प्राण है ऐसे इन प्राणों में रहने वाले परमात्मा प्राण है। तो प्राण में प्राण शक्ति का परमात्मा ही संचार करते हैं, ठीक है जी। तो परमात्मा कैसे हैं? भू हैं, प्राणों के भी प्राण हैं और भूवः समस्त दुखों के विनाशक हैं। तो दुख माने क्या? जो कोई भी विघ्न बाधा है ना वो दुख है। इन समस्त दुखों को परमात्मा ही दूर कर सकते हैं और कोई दूर कर सकता नहीं है। तो परमात्मा दुखनाशक है, भूवः समस्त दुखों से हमें छुड़ाने वाले हैं। हाँ जी किशोर जी, ठीक है। परमात्मा कैसे हैं? हाँ, दुखों से छुड़ाने वाले हैं और स्वः स्वयं सुख स्वरूप है और अपने भक्तों को सर्वोत्तम सुख को देने वाले हैं, महान सुख को देने वाले हैं। ऐसा सुख देने वाले हैं जिसका कभी अंत नहीं होता, विनाश नहीं होता, अथाह अनंत सुख को देने वाले हैं, तृप्तिकारक, संतुष्टिकारक, शांतिकारक सुख को देने वाले हैं। संसार में वो सुख कभी नहीं मिल सकता है। संसार में तो जो सुख मिलता है वो क्षणिक होता है, नाशवान होता है, अतृप्तिकारक, अशांतिकारक होता है। और जो परमात्मा का सुख है वो तो नित्य है, स्थायी है, अविनाशी है। ऐसे महान सुख को ये परमात्मा आप देने वाले हैं, आप स्व हैं। और तत्सवितु आप परमात्मा, तत् माने आप, सवितु सूर्य हैं, ठीक है। सूर्य कैसा होता है देखो, हर दिन उदय होता है, नया 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 हर दिन। कभी सूर्य पुराना होता है क्या? नहीं होता है। ऐसे परमात्मा कभी पुराना नहीं होते। तो सूर्य सबका आधार है, ये संसार का, पृथ्वी का आधार कौन है? सूर्य है। ऐसे परमात्मा भी सबके आधार है। सूर्य सबको उत्पन्न करता है, ये वृक्ष वनस्पति इन सबको उत्पन्न करने वाला, बढ़ाने वाला कौन? सूर्य है। और जो सूर्य है वही जल को भी ये समुद्र से ऊपर खींचने वाला है और बरसाने वाला है। तो सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे इन सबका पालन होता है, इसलिए ये सूर्य सबका आधार है। तो परमात्मा इस सूर्य के भी आधार हैं। तो परमात्मा सविता हैं, इस जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, ठीक है जी, सबके आधार हैं। तो ऐसे सविता परमात्मा की हम उपासना करें। वो सविता परमात्मा कैसे हैं? वर्णीय हैं, वर्ण्यम, वर्ण करने के योग्य हैं। और सविता का एक अर्थ ऐसा होता है जो सबको विजय दिलाने वाले हैं, अनंत ऐश्वर्य को देने वाले हैं। जो सूर्य है वो ऐश्वर्य का आधार है, ऐसे परमात्मा भी ऐश्वर्य के आधार है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वो परमात्मा सविता है।
ठीक है, और वर्णीय है, सर्वश्रेष्ठ है, वरुण है, वर्ण करने के योग्य है। ये ईश्वर जीव प्रकृति तीन पदार्थ हैं कुल संसार में, और तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ईश्वर। वो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ वर्णीय है, वर्ण्यम है, वर्ण करने के योग्य है। जैसे पत्नी पति का वर्ण करती है और पति का ही हो जाती है, ऐसे हम भी परमात्मा का वर्ण करें और परमात्मा के ही हो जाएं। तो परमात्मा वर्ण करने के योग्य है और भर्ग हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, क्लेशों को भून देने वाले हैं, भस्म कर देने वाले हैं। ये सोना चांदी है ना, इसको आप आग में रखो तो उसके सारे जो मल हैं वो भस्म हो जाते हैं। तो परमात्मा ऐसे भर्ग हैं, समस्त क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। कौन कौन से क्लेश? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन समस्त क्लेशों को परमात्मा भस्म कर देने वाले हैं, हमको शुद्ध कर देने वाले हैं। तो भर्गो देवस्य, ऐसे देवों के देव, महादेव का, परम देव का, जो दिव्य गुण से युक्त हैं, सबके प्रकाशक हैं, महान दाता हैं, ऐसे देव परमात्मा का धीमही हम ध्यान करें, अर्थात उनके श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुणों को धारण करें। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, दान, परोपकार, ऐसे ईश्वरीय गुणों को धारण करें। यह है धीमहि। फिर धियो यो न, हे परमात्मा आप हमारी बुद्धि को, धी माने बुद्धि, यह माने वो परमात्मा, तो हम कहेंगे आप परमात्मा, न हमारी, तो हमारी बुद्धि को प्रचोदयात, सन्मार्ग में प्रेरित करें, वेद मार्ग में, योग मार्ग में, यज्ञ मार्ग में, धर्म मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में हमारी बुद्धि को आप ले चलें। ठीक है, आपकी ओर हमारी बुद्धि को ले चलें, विवेक, वैराग्य, समाधि की ओर हमारी बुद्धि को ले चलें। यह गायत्री मंत्र का अर्थ है। तो इस प्रकार से एक एक शब्द का अर्थ करते हुए गायत्री मंत्र से ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो गायत्री माने गायंतम त्रायते इति गायत्री, जो गाने वाले को समस्त दुख से तार देती है, जन्म और मरण के बंधन से पार लगा देती है, वो गायत्री है। तो गायत्री मंत्र की महिमा है। तो जो इस प्रकार से रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करता है, गायत्री मंत्र से परमात्मा का ध्यान करता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, वो बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, सभी के लिए गायत्री मंत्र अत्यंत उपयोगी है, शक्ति सामर्थ्य का संचार करने वाली है, अंदर में आत्मा को बल देने वाली है, मन को, बुद्धि को, सबको बल देने वाली है। तो गायत्री मंत्र का जप करें और ईश्वर से विशेष ज्ञान, बल, विद्या और आनंद को भी प्राप्त करें और अपने समस्त दुखों का विनाश करें। ओम शांति ओम श्रम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए, हे परमपिता परमात्मा, आप सबके रक्षक हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, सब प्रकार के रोगों से, कष्टों से, विघ्नों से, बाधाओं से, शोक से, रोग से, ताप से, अनिष्ट से हमारी रक्षा करिए। अधर्म से, अन्याय से, पाप से हमारी रक्षा कीजिए। भूहु, हे प्रभु, आप प्राणों के भी प्राण हैं, हमारे प्राणाधार हैं, हमें प्राण शक्ति अर्थात दीर्घ जीवन शक्ति प्रदान कीजिए। भुवः, हे नाथ, आप समस्त दुखों से छुड़ाने वाले हैं, हमें भी समस्त दुखों से
अर्थात आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आधिभौतिक दुख, इन समस्त दुखों से छुड़ा दीजिए। स्वः, हे ईश्वर, आप स्वयं सुख स्वरूप हैं, सर्वोत्तम आनंद के भंडार हैं। हमें भी आपके सर्वोत्तम सुख का पान कराइए। तत्सवितुर, हे सविता देव, आप समस्त जगत के उत्पादक तथा सूर्य आदि प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं और समग्र ऐश्वर्य के प्रदायक हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और सर्वत्र विजय दिलाने वाले हैं। वरेण्यम, ऐसे आप वरुण परमात्मा को हम वरण करते हैं, क्योंकि आप ही सर्वश्रेष्ठ वरणीय हैं। अतः हम भक्तगण भी आपका ही वरण करते हैं। भर्गो, हे भगवन, आप शुद्ध स्वरूप समस्त दुखों क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। देवस्य, आप देवों के देव, महादेव का, परम देव का धीमहि हम ध्यान करते हैं, आपके गुणों को धारण करते हैं। धियो यो नः, आप हमारी बुद्धि को प्रचोदयात, सन्मार्ग में, वेद मार्ग में, योग मार्ग में, यज्ञ मार्ग में प्रेरित करें। उत्तम गुण कर्म स्वभाव में हमारी बुद्धि को प्रेरित करें और आपकी ओर ही हमारी बुद्धि को ले चलें। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। ओम, ये गायत्री महामंत्र है, सर्व मनोकामना पूर्तिकारक मंत्र है, बुद्धिवर्धक मंत्र है, सावित्री मंत्र है, विघ्न विनाशक मंत्र है। ठीक है जी, तो इसके एक एक शब्द का इस प्रकार से अर्थ करते हुए, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, इस गायत्री मंत्र से हम ईश्वर का ध्यान करें। तो मंत्र बहुत बढ़िया है। ओ मन तो सर्वरक्षक परमात्मा, जो सबके रक्षक है और रक्षा करने के साधन भी दिए हुए हैं, रक्षा स्वयं करते हैं और अपनी रक्षण शक्ति से भी रक्षा कर रहे हैं। ठीक है जी, तो परमात्मा सबके रक्षक है और अपने जान से अन्यों को भी विद्वान बनाते हैं और फिर वो विद्वान भी हमारी रक्षा करते हैं। माता पिता रक्षा करते हैं हमारी, तो उनको भी रक्षण शक्ति ईश्वर ही प्रदान करते हैं। गर्भावस्था में शिशु की रक्षा करते हैं परमात्मा, अद्भुत स्वरूप उनका है कि नहीं। कोई माता रक्षा नहीं कर सकते अपने बेटे का अंदर में, वो क्या जानती है कैसे बेटा पल रहा है, बढ़ रहा है, रक्षण कैसे हो रहा है, क्या पता। परमात्मा उसकी व्यवस्था करते हैं, तो गर्भकाल में भी परमात्मा रक्षा करने वाले हैं। तो ओम सर्वरक्षक, हे ईश्वर, आप सबके रक्षक हैं। फिर भू माने आप प्राणों के भी प्राण हैं। कितने प्राण हैं शरीर पता है? प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये पांच मुख्य प्राण और पांच उप प्राण कौन कौन से? नाग, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय। तो इन दसों प्राणों के आप प्राण हैं, माने इनके अंदर भी प्राण शक्ति का संचार करने वाले आप हैं। इन प्राणों के प्राण मतलब आधार हैं। जैसे कि शरीर में प्राण नहीं हो तो शरीर क्या काम कर सकता है जी? कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ही इन प्राणों में परमात्मा नहीं हो तो प्राण भी कुछ नहीं कर सकते हैं।
आया समझ में? शरीर में अगर ये प्राण न हो शरीर मर जाएगा, शरीर कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ही परमात्मा प्राणों के प्राण है, जैसे शरीर में प्राण है ऐसे इन प्राणों में रहने वाले परमात्मा प्राण है। तो प्राण में प्राण शक्ति का परमात्मा ही संचार करते हैं, ठीक है जी। तो परमात्मा कैसे हैं? भू हैं, प्राणों के भी प्राण हैं, और भूवः समस्त दुखों के विनाशक हैं। तो दुख माने क्या? जो कोई भी विघ्न बाधा है ना वो दुख है। इन समस्त दुखों को परमात्मा ही दूर कर सकते हैं और कोई दूर कर सकता नहीं है। तो परमात्मा दुखनाशक है, भूवः समस्त दुखों से हमें छुड़ाने वाले हैं। हाँ जी किशोर जी, ठीक है। परमात्मा कैसे हैं? हाँ, दुखों से छुड़ाने वाले हैं, और स्वः स्वयं सुख स्वरूप है, और अपने भक्तों को सर्वोत्तम सुख को देने वाले हैं, महान सुख को देने वाले हैं। ऐसा सुख देने वाले हैं जिसका कभी अंत नहीं होता, विनाश नहीं होता, अथाह अनंत सुख को देने वाले हैं, तृप्तिकारक संतुष्टिकारक शांतिकारक सुख को देने वाले हैं। संसार में वो सुख कभी नहीं मिल सकता है। संसार में तो जो सुख मिलता है वो क्षणिक होता है, नाशवान होता है, अतृप्तिकारक अशांतिकारक होता है। और जो परमात्मा का सुख है वो तो नित्य है, स्थायी है, अविनाशी है। ऐसे महान सुख को ये परमात्मा आप देने वाले हैं, आप स्व हैं। और तत्सवितु आप परमात्मा, तत् माने आप, सवितु सूर्य हैं, ठीक है। सूर्य कैसा होता है? देखो हर दिन उदय होता है, नया 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 हर दिन। कभी सूर्य पुराना होता है क्या? नहीं होता है। ऐसे परमात्मा कभी पुराना नहीं होते। सूर्य सबका आधार है, ये संसार का, पृथ्वी का आधार कौन है? सूर्य है। ऐसे परमात्मा भी सबके आधार है। सूर्य सबको उत्पन्न करता है, ये वृक्ष वनस्पति इन सबको उत्पन्न करने वाला बढ़ाने वाला कौन? सूर्य है। और जो सूर्य है वही जल को भी ये समुद्र से ऊपर खींचने वाला है और बरसाने वाला है। तो सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे इन सबका पालन होता है, इसलिए ये सूर्य सबका आधार है। तो परमात्मा इस सूर्य के भी आधार हैं। तो परमात्मा सविता हैं, इस जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, ठीक है जी, सबके आधार हैं। तो ऐसे सविता परमात्मा की हम उपासना करें। वो सविता परमात्मा कैसे हैं? वर्णीय हैं, वर्ण्यम वर्ण करने के योग्य हैं। और सविता का एक अर्थ ऐसा होता है जो सबको विजय दिलाने वाले हैं, अनंत ऐश्वर्य को देने वाले हैं। जो सूर्य है वो ऐश्वर्य का आधार है, ऐसे परमात्मा भी ऐश्वर्य के आधार है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वो परमात्मा सविता है, ठीक है। और वर्णीय है, सर्वश्रेष्ठ है, वरुण है, वर्ण करने के योग्य है। ये ईश्वर जीव प्रकृति तीन पदार्थ हैं कुल संसार में, और तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ईश्वर। वो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ वर्णीय है, वर्ण्यम है, वरण करने के योग्य है। जैसे पत्नी पति का वरण करती है और पति का ही हो जाती है, ऐसे हम भी परमात्मा का वरण करें और परमात्मा के ही हो जाएं। तो परमात्मा वरण करने के योग्य है। और भर्ग है, शुद्ध स्वरूप है, क्लेशों को भून देने वाले हैं, भस्म कर देने वाले हैं। ये सोना चांदी है ना, इसको आप आग में रखो तो उसके सारे जो मल हैं वो भस्म हो जाते हैं। तो परमात्मा ऐसे भर्ग हैं, समस्त क्लेशों को भस्म करने वाले हैं। कौन कौन से क्लेश? अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, इन समस्त क्लेशों को परमात्मा भस्म कर देने वाले हैं, हमको शुद्ध कर देने वाले हैं। तो भर्गो देवस्य, ऐसे देवों का देव, महादेव का, परम देव का, जो दिव्य गुण से युक्त हैं, सबके प्रकाशक हैं, महान दाता हैं, ऐसे देव परमात्मा का धीमही हम ध्यान करें, अर्थात उनके श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुणों को धारण करें। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, दान, परोपकार, ऐसे ईश्वरीय गुणों को धारण करें। यह है धीमही। फिर धियो यो न, हे परमात्मा आप हमारी बुद्धि को
धी माने बुद्धि, यह माने वो परमात्मा। तो हम कहेंगे आप परमात्मा, न हमारी। तो हमारी बुद्धि को प्रचोदयात, सन्मार्ग में प्रेरित करें, वेद मार्ग में, योग मार्ग में, यज्ञ मार्ग में, धर्म मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में हमारी बुद्धि को आप ले चलें। ठीक है, आपकी ओर हमारी बुद्धि को ले चलें, विवेक वैराग्य समाधि की ओर हमारी बुद्धि को ले चलें। यह गायत्री मंत्र का अर्थ है। तो इस प्रकार से एक एक शब्द का अर्थ करते हुए गायत्री मंत्र से ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो गायत्री माने गायंतम त्रायते इति गायत्री, जो गाने वाले को समस्त दुख से तार देती है, जन्म और मरण के बंधन से पार लगा देती है, वो गायत्री है। तो गायत्री मंत्र की महिमा है। तो जो इस प्रकार से रोज सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करता है, गायत्री मंत्र से परमात्मा का ध्यान करता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। वो बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, सभी के लिए गायत्री मंत्र अत्यंत उपयोगी है। शक्ति सामर्थ्य का संचार करने वाली है, अंदर में आत्मा को बल देने वाली है, मन को, बुद्धि को, सबको बल देने वाली है। तो गायत्री मंत्र का जप करें और ईश्वर से विशेष ज्ञान, बल, विद्या और आनंद को भी प्राप्त करें और अपने समस्त दुखों का विनाश करें। ओम शांति ओम श्रम।